हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको मेरा पहला ब्लॉग में आपको स्वागत करता हूँ। मैं पहला ब्लॉग कब बनाने जा रहा हूँ, इस एक प्रोग्राम एक कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं अपना ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो मैं आपको इस कॉन्फ्रेंस का शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक अपडेट देते रहूँगा, जो कि ये 3 दिन तक चलेगा। तो 3 दिन तक मैं आपको हर एक अपडेट देते रहूँगा यहाँ पर, तो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा। और इसका पेंडल का आज मैं इस समय सुबह सुबह पेंडल जो बना है, इस पेंडल का आपको जो किस प्रकार बना है उसका सारा अपडेट देने जा रहा हूँ। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये डेकोरेशन है, गेट है, वे है जो सेंटर से लिया गया है, काफ़ी सुंदर से डेकोरेट किया गया है। और भी काफ़ी सारा डेकोरेशन अभी बचा हुआ है, जो कि ये यहाँ पे काफ़ी सारा पेपर लगेंगे, कलर पेपर, तो इसमें लगने से और सारा सुंदर होगा। तो कल हम लोग ये पेपर इसलिए नहीं लगाए ताकि हवा ज़्यादा चल रहा था तो फटके गिर जाने का संभावना था, इसलिए नहीं लगाया। तो बस हम लोग ये कपड़े का ऊपर का डेकोरेशन किया। तो अभी हम लोग पंडल के पास में जाएंगे, तो आपको मैं अपडेट देते रहूँगा। तो हम पहुंच गए मेन गेट पे, मेन एंट्री पे। यह प्रोग्राम का एंट्री, ये चर्च का प्रोग्राम है जो कॉन्फ्रेंस, और ये हम लोग का स्पीकर जो दूर से कहीं से आ रहे हैं। तो मैं आपको इसका हर एक अपडेट देते रहूँगा इस प्रोग्राम का। तो यहाँ पे होगा, ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये अभी तक कम्प्लीटली डेकोरेट नहीं हुआ, इसमें काफ़ी सारा फूल लगेंगे। और ये जो आप गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इस गड्ढे में हम लोग पानी रख के यहाँ पे मछली रख के मछली का सब डेकोरेट करेंगे, हमें जितना मछली होंगे। और ये सारा बम्बू दिखाई दे रहे हैं, ये सब बम्बू में फ्लैग होस्टिंग होगा, सब लोग अपने अपने चर्च के फ्लैग यहाँ पर होस्ट करेंगे। तो ये है पंडा टेंट हाउस है ये, इसमें इसका बाहर का लुक सही है, आप देख सकते हैं। ऊपर लाइट लगा हुआ है और ये बहुत काफ़ी सुंदर से डेकोरेट किया है। तो डेकोरेट करने वाले लोगों से भी आपको मिलाएंगे। तो ये है अंदर का टेंट हाउस का नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं इस समय। तो मेरे सारे दोस्त लोग भी यहाँ पे आके मतलब टेंट का किस प्रकार बना है उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये अंदर का लुक से नज़ारा है। और ये हमारा पंडल काफ़ी बड़ा हुआ है, तो ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ। चलो तो स्टेज के नीचे का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। ये है स्टेज, स्टेज का भी तक डेकोरेशन बचा हुआ है, ये डेकोरेट अभी तक नहीं हुआ है। ये स्टेज काफ़ी बड़ा है, उसके बाद में यहाँ से देखना जरा देख सकते हैं कितना बड़ा पैनल बना है। ये शादी का पैनल से काफ़ी बड़ा है। तो उसके बाद मैं आपको पैनल इस समय यहाँ तक रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे खाना कहाँ पे खाना बनेगा। और सबके लिए यहाँ पे जितने लोग आएंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना यहाँ पे तैयार किया जाएगा। 3 दिन के लिए यहाँ पे फ्री ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच, तीनों टाइम का खाना यहाँ पे बनेगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस खाना बनाने वाले जगह में। हाँ दोस्तों, तो मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे खाना बनेगा, जो भंडारा लगेगा, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे सारा चीज़ का इंतज़ाम होगा। ये जो एरिया है, जो घर बना है, इसका अंदर अरे खाने का चीज़ यहाँ पे आइटम यहाँ पे अंदर पे बनेगा, यहाँ पे चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये बांस जो बंधा हुआ है, यहाँ से लोग आएंगे और यहाँ से खाना लेके, और ये जो घर बना है ये टेंट करने में जाके यहाँ पे सब चीज़ रेडी होंगे। अभी कुछ भी रेडी नहीं है, और जो बाहर के लोग होंगे और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो यहाँ पे लोग खड़े होकर खाना खाने का इंतज़ाम किया है। तो ये सब जितना भी चीज़ हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसे लेके ये करने का ज़रूरी नहीं है, खाने के लिए पैसे देने का ज़रूरी नहीं है।
और ये एरिया जो है ये जो काफ़ी सारा बड़ा से बना है ये जगह, इस जगह में डाइनिंग सेट लगेगा हर जगह में, तो हर लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए इंतज़ाम किया है। तो फिलहाल आपको इस प्रोग्राम का जानकारी इतना तक, फिर अगले जब प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम स्टार्ट होने का टाइम में और क्या क्या होता है मैं हर एक चीज़ का अपडेट आपको देते रहूँगा। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक्स गाइस, यहाँ में हम लोग सब लोग अभी पेपर लगा रहे हैं, मैं पूरा जगह सब को करना है अभी। देखिए वीडियो को एंटर ভেরি গুড। आप तो तान के डायरेक्ट ले लो। सीधा आठा उठी गए। भाल दूर दूर लगाए दे। फिर दूर दूर कैसे दिन? सारी टाके नहीं हो। কত লগা মানুষ তো জলি জলি লগাইছো নলাতা হকি যাব। This is my story. This is my story. লগাই গুছি যালে এনতে আটা তো খিড়ি যাব না। ও ভিডিও বনা, ভিডিও বনা। হ্যালো, ইয়া পাতো যদি মই উঠিছো তাত এতে ভিডিও দিলা কি দিবা? I'm gonna go to the mall.
बोटी मछली छोड़ाई देखिए, यहाँ में बहुत ज्यादा मछली है। आप क्या कर रहा है? डेकोरेशन कर रहा है। काय मछली लोग उधर में चला गया, मछली उधर चले, इधर उधर मछली। दोलों इधर से मछली लोग पार होगा। মজুমদা জিলিক মিল্ক লাইট একটা দলঙ্গা দিয়ে দিলে রাখি, খুব ধুনিয়া লাগে দেখো। জিলিক মিল্ক अभी शाम हो गया, ये शाम का अभी शाम का सब लोग अभी आ गया। गेट में लाइट लगा दिया, सब खड़ा होके देख रहे हैं मछली को। बहुत सारा मछली डाला है ना, रात है इसलिए दिखाई नहीं मिल रहा है अच्छा से। दिन में दिखाई मिलता है अच्छा से, अभी दिखाई नहीं मिल रहा है। आप लोग को दिन में दिखा देगा। Thank you.
সময় কিনি লবা কিয়নো এই কাল মন্দ কুন্দ্রা পর এতেকে কি দরে সলা তালই সাবধানে সাবা অজ্ঞানীর দরে নহয় কিন্তু জ্ঞানীর দরে চলিবা কুন্দ্রা পর এই হেতুকে তোমালোক নির্বুধ নহবা কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি তা জ্ঞাত হওয়া মই গাম এতিয়া Praise the Lord. Ajay Hondia Biligar Kajo Hussi Porisal of Mohuda Purmukhe, Ataliki Krishna Peremar, Namaskar, Isusai, Praise the Lord. Jai Masiki. Thank you. কিয়নো এই কাল মন্দ
समर से भर जाओ।
रोगी আছে जी সকলে রোগত আছে আপোনালোকে হে আহিব जी সকলে সুস্থ আছে আপোনালোকে পাছত প্রার্থনা লব মাত্র রোগী সকলে হে আর প্রার্থনা বেশি প্রয়োজন আছে হে সকলে হে আহ হল হল পবিত্র जेंट्स और लेडीज का दो लाइन हो गया। बहुत सारा आदमी आया है। आप लोग क्लास तक देखिए प्लीज। आप लोग को हम अपडेट देते रहेगा क्या क्या होगा। सब लोग लंच करने चला गया। अभी खाली हो गया यानी बच्चा देखिए देखिए सब खाली हो। अभी बाहर का आप लोग को नज़ारा दिखाएगा। ये देखिए झंडा सुबह झंडा गिराया था यानी अभी सब लोग उधर लंच कर रहे हैं।
सब लोग के मछली देख रहा है, यानी मछली है, बड़ा बड़ा मछली है। ये अभी छोटा लोग घूम रहा है एक साथ में, ठीक है। बड़ा मछली आगे जा रहा है, छोटा मछली पीछे पीछे, और साइड में भी है। ये साइड में भी है अभी, ठीक है। मछली छोटा छोटा भी है, बहुत सारा डाला था, आधा मर गया आधा है। नहीं देखता है, नहीं भी आता है। ये वीडियो को यहाँ में एंड करता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना। नए एक ब्लॉग में मिलता हूँ। बाय बाय दोस्तों।